हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रोनॉक्स लैब साइंस लिमिटेड की। 219 का स्टॉक है, 219 का स्टॉक है। 8% की यहाँ पर तेजी हुई है, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्टॉक्स को मैंने यहाँ पर बता रखा है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, तो इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी आपको ये पहले बताना जरूरी है, डिस्क्लेमर देना जरूरी है, ठीक है। तो मेरे कहने पर और किसी और के कहने पर लेना नहीं है, अपनी स्टडी करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर लेना है। वीडियो के शेयर के बारे में जानेंगे, टेक्निकल फंडामेंटल, कंपनी करती क्या है, क्या यहाँ पर नजर आता है, क्या नहीं नजर आता है, वो यहाँ पर जानेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। नया स्टॉक से बिल्कुल, तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। और लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सीखिएगा। सीखने के लिए जैसे वीडियोज अभी बनाई जा रही है, वैसी वीडियोज बहुत सारी है जो यहाँ पर हम बताते रहते हैं, और कैसे यहाँ पर पैसे बनते हैं वो भी हम यहाँ पर बातें करते रहते हैं। इसके अलावा बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सीखना चाहते हो, सीरियस हो स्टॉक मार्केट के बारे में, एक एफोर्डेबल प्राइस पे यहाँ पर आप सीखना चाहते हो कि यहाँ पर 50,000 1 लाख रुपए की फीस नहीं, केवल आपको 25,000 रुपए की फीस देनी है। 1-to-1 क्लासेस है, 25,000 रुपए का कोर्स है, टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल सब कुछ A to Z सिंपल तरीके से बताया जाएगा, ओके। और यहाँ पर कब लेना है, कब बेचना, शेयर क्यों भागते हैं, क्यों गिरते हैं, वो एक आइडिया आपको लगता है वो नजर आएगा। स्ट्रेटेजी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट सब सिखाया जाएगा। पूरा एक कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद प्रैक्टिस करिएगा, कहां से कहां पहुंच जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगी। 886040508169261037 दो नंबरों को सेव कर सकते हो। और काम करना है हमारे साथ, हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो कि कैसे हमने पुदुम जी 68 रुपीज पर दिया था, और ये शेयर अभी की बात करें तो लगभग 200 रुपए को टच कर रहा है, और वो भी कितने 6-7 महीने के अंदर अंदर, सॉरी 9-10 महीने के अंदर अंदर। तो आप हमारे साथ यहाँ पर ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, इन्हीं नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। आगे बढ़ते, क्रोनॉक्स लैब लिमिटेड, ठीक है, साइंस लिमिटेड की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चर हाई प्योरिटी फाइन एंड इनऑर्गेनिक केमिकल, फॉस्फेट एंड मेटालिक केमिकल्स। तो ये कंपनी क्या बनाती है, केमिकल्स बनाती है। किस तरीके केमिकल्स बनाती है, ये सारे के सारे जैसे कि मेटालिक, फॉस्फोट, है ना, इनऑर्गेनिक केमिकल्स बनाती हुई नजर आती है। इनके बारे में जानना है तो एक बार इनकी वेबसाइट पे आपको चलना पड़ेगा, तब आपको एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा, ठीक है। कंपनी और क्या क्या काम करती है, 185 प्रोडक्ट्स का इनका एक पोर्टफोलियो भी है, ठीक है। जो ये पर्टिकुलर यहाँ पर आप देखिए, बल्क रिजेंट, है ना, इंग्रेडिएंट्स और ये सब चीज दे रखी है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑरल केयर में काम आते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में काम आते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशंस कंपनी में काम आते हैं, पर्सनल केयर कॉस्मेटिक में काम आते हैं, वेटरनिटी फार्म एंड एनिमल हेल्थ में। इन जो ये केमिकल बनाते हैं मोस्टली सारी चीजों में यहाँ पर काम आते हुए दिखाई देते हैं। जाके एक बार देख लीजिए, कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, कंपनी के पास क्या लाइसेंस है, उनके होल्डर प्रमोटर कौन है, ये सब चीज आपको इसकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कंपनी का मार्केट कैप 812 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। मतलब क्या है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी है। जब मैं यहाँ पर माइक्रो कैप स्मॉल कैप की बात करूँ तो दो चीज याद रखिएगा, हमारे चैनल का नाम स्मॉल कैप का है, इन्वेस्टर है, तो इसका मतलब क्या है, हम ऐसे ही शेयरों से रिलेटेड बातें करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी, जब मैं यहाँ पर स्मॉल कैप की भी माइक्रो कैप की बात करूँ तो याद रखिएगा, पैसे जब बनते हैं 8% 10% ऐसे शेयरों में बनते हैं, बट जब गिरते हैं ना उसी तरीके से गिरते हुए भी नजर आते हैं। तो सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैक्सिमम चार्ट पर, ठीक है, जब चलता है तो इस तरीके से चलता है, और जब गिरता है तो उसी तरीके से गिरता है। आपको समझ भी नहीं आएगा, आप कहोगे यार क्या से क्या हो गया, है ना। स्टॉक पी की बात करें 34 का, इंडस्ट्री का पी 36 का, ना महंगा है ना सस्ता है। स्टॉक ROE की बात करें काफी बेहतरीन नजर आता है। हमारा सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, बट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 54% की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। बात करें और चीजों की तो यहाँ पर आप देख पाओगे कंपनी का कोई प्लेजिंग नहीं है, इंट्रेंसिक वैल्यू 142 की है और 10 का फेस वैल्यू नजर आता है, और डेट फ्री शेयर है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 800 करोड़ की कंपनी है। ये मत सोचिएगा कि 1000, 2000, 5000 करोड़ का बिजनेस करेगी, छोटा ही बिजनेस करती है। तो यहाँ पर देखिए 24-25 करोड़ के आसपास का बिजनेस है। ईयरली बेसिस पे आप देखोगे अच्छी खासी जंप है, क्वार्टरली बेस पे देखोगे थोड़ी यहाँ पर नेगेटिविटी है। यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो ऐसा नहीं है छोटी कंपनी है और घाटे में जा रही है। छोटी कंपनी है, अच्छा खासा काम कर रही है और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इसलिए बेहतरीन है। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन की बात करें, हाईएस्ट एवर मार्जिन आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है, जितने भी क्वार्टर अभी तक हुए। इसके अलावा आप देखोगे ईयरली बेस पे, तो ईयरली बेस पे भी कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे स्लोली बढ़ रहा है। कहाँ 2020 में 50 करोड़ की सेल्स थी, अभी बात करें तो 90 करोड़ के आसपास की सेल्स, लगभग दुगना सेल्स आती हुई नजर आई है। प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट की बात करें 9 करोड़ से 23 करोड़ का प्रॉफिट डबल होता हुआ नजर आया है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये चीजें बताती है कि कंपनी क्या है, अच्छी कंपनी है। इसके अलावा बात करें रिजर्व्स की, कंपनी के रिजर्व्स यहाँ पर आप देखोगे लगभग 40 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है, बोरो इनकम है। बात करें और चीजों की तो वर्किंग प्रोग्रेस में 2 करोड़ रुपए लगे हुए। कैश की बात करें तो कंपनी के पास 9 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा हुआ है। पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं और प्रमोटर्स 70, अभी नया शेयर है, ठीक है ना, इस चीज को भी याद रखिएगा कि जून 2024 में ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया है, लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है, और अभी भी यहाँ पर प्रमोटर्स क्या 75% के आसपास की होल्डिंग है, जो कि सेबी का रूल है उसके हिसाब से है। एफआईज ने थोड़ा सा माल बेचा है, बट डीआईज की बात करें उन्होंने भी यहाँ पर माल बेचा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन बेच रहा है। बट बात करें पब्लिक की, 22% की हिस्सेदारी है, कंपनी अच्छा कर रही है। अपने ग्लोबल कैपिटल ने भी यहाँ पर पहले रखे थे वो भी बेच दिया है। बट अब बात करें 39,000 इन्वेस्टर यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी में 22% के आसपास यहाँ पर है, और कंपनी अच्छा करती है ना तो जो जाता है वो आ भी जाता है, ठीक है, तो और शायद और ऊपर के भाव पे आता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, कौन जा रहा है कौन आ रहा है उस पर ध्यान देना, अच्छी बात है। बट इस चीज को भी मत भूलिएगा कि आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कंपनी क्या कह रही है उससे फर्क पड़ता है, चाहे मिड टर्म हो, चाहे स्मॉल टाइम फ्रेम हो आपका, या फिर लॉन्ग टाइम फ्रेम हो, है ना। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है। यहाँ पर आप देखोगे तो बाइंग सेलिंग यहाँ पर चलती रहती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तो ओवरऑल बात करें डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कंपनी का जो काम है वो यहाँ पर डिसेंट नजर आ रहा है। अच्छे खासे केमिकल के बिजनेस में, और केमिकल के स्टॉक्स ऑलरेडी आपको पता ही है अच्छे खासे लेवल पे यहाँ पर चल रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर कंपनी के चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे कि कंपनी के चार्ट क्या कह रहे हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना, चीजों को सीखना है, समझना है, और उसके हिसाब से यहाँ पर आपको देखना है। तो यहाँ पर इन नंबरों को नोट करके कोर्स कर सकते हो, साथ में काम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए एक छोटा सा बेस बनाया है, ठीक है, काफी कंसोलिडेशन हुआ और अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर हुई है। तो अभी क्या है, ये शेयर हमने यहाँ पर ही दिया था, उसके बाद शेयर ऑलरेडी आज के दिन में 8% भाग चुका है। अभी की बात करें तो अगर कोई अभी ट्राई करना चाहता है, या मैं यहाँ पर खुद ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके इसमें क्या कर सकते हैं। बट उससे पहले डिस्क्लेमर है, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन ही है, आपको खुद ही अपना ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें एक 214 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा, शेयर का प्राइस क्या है 219 रुपए, मतलब क्या है 5 रुपए के आसपास की आपकी रिस्क है, ठीक है। और जैसे ये शेयर भागेगा, ठीक है, आपका मुझे लगता है कि 20 से 30% के रिटर्न इस वीक में या अगले वीक तक बन जाने चाहिए। बट स्टिल मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे नजर आता है कि यहाँ पर एक क्विक मूवमेंट होनी चाहिए 10-20-30% की। और स्टॉप लॉस की बात करें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें, अगर आपको 5 रुपए देके, 5 रुपए का मतलब क्या है, कितना स्टॉप लॉस हो गया, 5 रुपए का मतलब है कि ना के बराबर, है ना। तो मतलब आप छोटा सा स्टॉप लॉस देके अगर आपका अच्छा खासा पैसा बन रहा है तो मुझे मेरे के हिसाब से देना चाहिए, है ना। इतना रिस्क, इसी को रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहते हैं, और इतना रिस्क तो हमें यहाँ पर लेना बनता है। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, ठीक है। चीजें एक लगभग 6 महीने का यहाँ पर कंसोलिडेशन करके यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अच्छा खासा कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है, कंपनी के रिजल्ट भी यहाँ पर अच्छे खासे नजर आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है। ऐसी भी कंपनी है कि जो करोड़ों का बिजनेस, अरबों का बिजनेस करने के बाद घाटा करती है, और एक कंपनी है कि छोटा सा बिजनेस करती है बट उसमें भी प्रॉफिट निकाल लेती है, तो अच्छी बात है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज्यादा की उम्मीद करिए मत अभी फिलहाल के लिए, बट जो भी आ रहा है वो अच्छा यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। और हमसे सीखना है, समझना है, तो आप क्या कर सकते हो, कोर्स कर सकते हो, हमारी वीडियोस को देख सकते हो, नंबरों को नोट कर सकते हो, हमारे साथ काम कर सकते हो, हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन ये है, समझना है, सोचना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।